अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत लैंडस्केप है मेरे बैकग्राउंड में। और ये और ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लग रहा है कि ओवरऑल जो पोल्यूशन है वो कम हो चुकी है। और ये क्यों कम हुई है, उसकी वजह लॉकडाउन है। डेढ़ महीने से लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए, और अब थोड़ी सी नरमी हुई तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने आप को धूप लगवाएं, ठीक है। और हमने गाड़ी को सेल्फ मारा और हम निकल खड़े हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं M1 पर, यानी कि इस्लामाबाद टू पिशावर मोटरवे पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोर्ड के ऊपर पिशावर, सवाबी, हतार और अहमदाबाद हरिपुर है। लेकिन आज हमारा जो इरादा है वो हज़ारा एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करने का है और आपको दिखाने का है कि ये एक नई, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरवे या एक्सप्रेसवे जो कि 180 किलोमीटर तवील है और बुरहान यानी कि हसन अब्दाल से शुरू होकर थाकोर तक जाती है, जिसमें 5 टनल्स भी हैं। आज हम आपको इसकी सैर कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आते हैं और हज़ारा एक्सप्रेसवे पे सफ़र करते हैं तो आपको कितना मज़ा आने लगा है। हमारे साथ रहिएगा। सुबह 10 बजे हमने इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया और बरास्ता मोटरवे M1 हसन अब्दाल के करीब हज़ारा एक्सप्रेसवे को ज्वाइन किया। हज़ारा एक्सप्रेसवे यानी E35 इब्तदान 6 लेन का मोटरवे है, जिस पर बआसानी आप 120 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं। इस रोड के दोनों अतराफ पंजाब के खूबसूरत खित्ते पोठोहार के हसीन नज़ारे भी आपके हमरा रहते हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ E35 यानी कि हज़ारा एक्सप्रेसवे के इस एक पुल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर रुकने और आपको बताने का मकसद ये है, इस इलाके का नाम झारीकस है और ये सूबह पंजाब और सूबह खैबर पख्तूनख्वा का संगम यानी कि बॉर्डर कहलाता है। और मेरे पीछे आप ये जो हाईवे या रोड देख रहे हैं, ये वो मशहूर कराकुरम हाईवे यानी कि शाहराह कराकुरम है, जो कि इस्लामाबाद से एबटाबाद और फिर उससे आगे जो है वो बिशाम, चलास और गिलगित और फिर उससे आगे चाइना तक जो है वो जाती है। लेकिन इस वक्त E35 यानी कि हज़ारा एक्सप्रेसवे जो कि फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है इस इलाके में ट्रैवल करने के लिए, ये जो है वो आपके सफ़र को और ज़्यादा आसान बना देती है। तो लिहाजा हम जो है वो अब ट्रैवल करते हुए पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहे हैं और इससे आगे हमारा सफ़र जो है वो इस हज़ारा एक्सप्रेसवे पे रहेगा और हम आपको आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। झूम रही है धड़कन हर सांस तराने गाए। एबटाबाद की तरफ सफर करते हुए आपके राइट साइड पर मारगला हिल है, जिसके दूसरी तरफ इस्लामाबाद है, जबकि लेफ्ट साइड पर जो अजीमुशान पहाड़ी सिलसिला है, इसी के दामन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरबेला डैम मौजूद है। व्यूअर्स, मैं सर मौजूद हूँ हज़ारा एक्सप्रेसवे यानी कि E35 के उस रीजन में जहाँ आप एबटाबाद से गुजरते हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टनल्स हज़ारा एक्सप्रेसवे में 5 टनल्स बनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत और शानदार टनल्स हैं। हम आपको इसका विजिट भी करवाएंगे। और मेरे लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि ये एबटाबाद का रीजन है। हम तकरीबन 1 घंटा और 25 मिनट में हसन अब्दाल से एबटाबाद पहुँचे, क्या आप बिलीव कर सकते हैं? नहीं ना। जी हाँ, ये मुमकिन हुआ इस फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे के ज़रिए कि जिसके ऊपर जो है वो आप सिर्फ 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में आप हसन अब्दाल यानी कि M1 मोटरवे से एबटाबाद पहुंच जाते हैं। और इस वक्त हम एबटाबाद को क्रॉस कर रहे हैं और इन टनल से हम गुजरेंगे और आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्रेसवे का विज़िट करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। माजी के बरक्स इस दफ़ा हज़ारा एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हुए हम तमाम छोटे बड़े शहरों जिनमें हसन अब्दाल, सुल्तानपुर, हरिपुर, सराय साले, हवेलियाँ और एबटाबाद को भी बाईपास कर जाते हैं। यूं घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। अरे भाई, अब नीचे कैसे उतरना है? व्यूवर्स, वैसे ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, एक मज़े का जो है ना वो रैंप था, मैंने कहा जरा चढ़ के देखें। लेकिन ये आप देख रहे हैं कंक्रीट रैंपिंग, ये बड़ा यूनिक स्टाइल है, ये बड़ा यूनिक जो है वो टेक्निक है बेसिकली लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए। और आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में जब रोड बनता है या कोई एक्सप्रेस वे बनता है तो उसका जो सबसे बड़ा डैमेज होता है वो उसकी लैंड स्लाइडिंग की वजह से होता है।
तो ये NHA ने एक बड़ा जो है इस दफ़ा यूनिक पैटर्न अडेप्ट किया है लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेहराबें आपको नज़र आ रही हैं, ये कंक्रीट के जो है वो ब्रिक्स हैं जो कि इन्होंने लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए लगाए हुए हैं, और ये मीलों पर फैले हुए हैं। और इसकी जो एज बताते हैं, ये तकरीबन 10 से 20 साल की इसकी एज है कि ये इसको रोके रखेगा। इससे ये साबित होता है कि ये जो रोड इस तरह से इस टेक्निक पे बने, उसकी जो है वो ज़ाहिर है लाइफ भी बढ़ जाती है। आप कागान नारान ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो वहाँ से जो रोड होते हैं वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूट के दरिया के अंदर गिरे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस टेक्निक के ज़रिए आप हैसल फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और प्लस ये है कि चूँकि ये जो शाहराएँ हैं ये आपका कौमी असासा होती हैं, और आपके लिए जो है ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए इनका बाकी रहना ज़रूरी होता है। तो इसलिए थैंक्स टू NHA जिसने ना सिर्फ इतना अच्छा ये रोड जो है वो डेवलप किया, बल्कि इसके साथ साथ इसको एक ऐसी टेक्निक के साथ जो है वो इसको सेव किया कि इसे इसकी जो है वो लाइफ बढ़ गई है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि मैंने नीचे कैसे उतरना है। लेट्स ट्राई, ये दैट्स इट, ठीक है व्यूवर्स। और हमारे सामने जो है ये रोड खुला हुआ है, हम आगे तक जाएंगे जहाँ तक जा सके। ये बताया जा रहा है कि मानसेरा से आगे जो है ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम ट्राई करेंगे अगर थोड़ा सा भी हम जो है ना वो उससे आगे जा सके और इसकी जो वर्किंग है या इसका जो डेवलपमेंट फेस है वो भी आपको दिखा सकें, ठीक है। हमारे साथ रहिएगा। हज़ारा एक्सप्रेसवे पर जो सर्विस एरियाज हैं वो भी एक यूनिक डिज़ाइन पर तैयार किए गए हैं और देखने में किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस का सा मंजर पेश करते हैं। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से सर्विस एरियाज अभी ऑपरेशनल नहीं हैं। व्यूवर्स, हम पहुँच चुके हैं इस मानसेरा इंटरचेंज, जी हाँ, E35 हज़ारा एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हुए मानसेरा इंटरचेंज हम पहुंच चुके हैं। हमने कोशिश की कि हम इससे आगे सफ़र करें, लेकिन वो चूँकि अंडर डेवलप है सारा एरिया, सारा जो रोड है वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लॉकडाउन की वजह से अभी जो है वो काम भी रुका हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो आगे नहीं जाने दिया गया। तो हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे और फिर कुछ खाएँ पियेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से हम वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। झूम रही है धड़कन, हर सांस तराने गाए, किसने इन राहों में ये प्यार के फूल खिलाए। जी व्यूअर्स, तो लकली हमने हज़ारा एक्सप्रेसवे पे मानसेरा क्रॉस कर लिया है, ऑल्दो के मानसेरा इंटरचेंज से आगे जो है वो अभी फ़िलहाल चूँकि अंडर डेवलप है ये रोड, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते, लेकिन थैंक्स टू NHA जिन्होंने हमें जो है वो अलाउ किया, क्योंकि हमने उनको बताया कि हम बेसिकली इसी प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए ये वीलॉग बना रहे हैं, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। मेरी बैक पे स्नो टॉप माउंटेंस हैं, और ये वही माउंटेंस हैं जो कि आप कागान वैली में या नारान वैली में जाके देखते हैं, जी हाँ, सिरी पाए और किवाई शुगरान वगैरह जो एरियाज हैं वहाँ से आप देखते हैं इन माउंटेंस को। और इस पैथ पे, इस रोड के ऊपर जो आगे मानसेरा के बाद आगे जो अहम शहर आते हैं उनमें शिंक्यारी है, बटल है, बटाग्राम है, और फिर एंड होता है थाकोट पे। तो ये सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, और अब इस रोड के बनने की वजह से जब लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो यकीनन यहाँ पे जो है ना ये सारे एरियाज जो है वो डेवलप होंगे, होटलिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, और लोग यहाँ पे हैंग आउट करने आएंगे, पिकनिक्स करने आएंगे, और यकीनन वो जो एक कागान नारान पे लोड है वो थोड़ा सा कम हो के यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो है वो इतनी बहुतात नहीं है, लोगों की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ऑफ़ कोर्स लिटरिंग भी कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आएँ उनसे रिक्वेस्ट है कि लिटरिंग ना करें बल्कि अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। तो ज़रूर इंजॉय करें और हमारे साथ रहें, हम आपको अभी और भी बहुत कुछ इंजॉय करवाने वाले हैं। खुशबू है हवाओं में जा...
यहाँ जमीन, मुस्कुरा के आसमां से गले गले गले। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा विजिट हजारा एक्सप्रेसवे का। जैसा कि हमने आज आपको दिखाया कि हसन अब्दाल से हमने M1 के बाद हजारा एक्सप्रेसवे पे स्विच किया और उसके बाद हरिपुर, हवेलियां, एबटाबाद बाईपास करते हुए मानसेरा से एग्ज़िट लिया था, लेकिन दोबारा हम जो है वो उनकी परमिशन से चढ़े और शिंक्यारी तक गए। और हमने आपको दिखाया कि कितना खूबसूरत ये पैथ है, कितना खूबसूरत ये ट्रैक है, पहाड़ियों के दरमियान बल खाती हुई ये सड़क, ये रोड, जिस पे आप यकीनन जब भी ट्रैवल करेंगे एंजॉय करेंगे और बड़ी अच्छी स्पीड लिमिट के साथ आप इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे। अभी हम मानसेरा से उतरे थे चाय शाय पीने के लिए और अब हम वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। और यकीनन आपने हमारे साथ इस ट्रैवल को, इस टूर को ज़रूर इंजॉय किया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले।